ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਜ ਨਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਜ ਨਾ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਜ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। नमस्कार, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर और ये टीजर आपने देखा डायरेक्टली सीधे जो है वो पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे और बाद में सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस गाने को जो लेकर आ रहे हैं उनका नाम है कमल हीर, जो कि सिंगर। इस गाने के बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम स्ट्रीम के स्टूडियोज में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस तरह का गाना जो है वो एक सोसाइटी के लिए लेकर आ रहे हैं। इस गाने के बारे में इन डिटेल बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये कैसा गाना है और क्या कुछ इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर मौजूद शख्सियतों से जरूर मिलवाना चाहूंगा। अभी हमारे साथ यहाँ पर उनके गुरु जी बैठे हैं, परविंदर सिंह नामधारी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स टीवी के स्टूडियोज में। काफी बेहतरीन गाना जो है वो बनाया गया है आप सभी के द्वारा, और साथ ही में इनके मित्र ललित जी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स टीवी के स्टूडियोज में। जी हाँ, तो अब इस गाने को लेकर हम बातचीत करेंगे। आजकल वैलेंटाइंस डे जो है वो वीक चल रहा है पूरा और लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कपल, लेकिन इनकी एक अच्छी सोच, एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत गाना लेकर आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा सीधे ही कमल हीर आपके पास में आना चाहूंगा। इस गाने के बारे में थोड़ा सा आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे आपके दिमाग में जो है ये थॉट आया कि जिस वक्त जो है वो ये प्यार इश्क की बातें की जाती है उस वक्त पर इस गाने को रिलीज किया जाए और बनाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू लाइफ टाइम टीवी एंड मेरे रिस्पेक्टेड गुरुजी, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मतलब मैंने कोशिश की है कि उसको सुरों में बांधा जाए, जो हमने लिखा सोचा जो देखा उसको सुरों में बांधा जाए। उसमें हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे इतने दिशा निर्देश इनके मिलते रहे जग टाइम टाइम पर, समय समय पर। तो हमने वो तैयार किया। उसका स्पेशली जो इम्पैक्ट मुझे मिला भी कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सोसाइटी को एक आइडिया जाए। मतलब मेरे रिलेटिव्स में, मतलब मेरे मासी जी की बेटी एक्सपायर हुई, उसके ड्रीम्स थे कि मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख के कुछ बनना है। तो वो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक्सपायर हो गए। तो मतलब उससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर कहीं ना कहीं वो मन में रह गई कि क्यों ना बेटियों के लिए कुछ किया जाए। और मैं देखता हूँ कि कुछ एक जगह पर ऐसे कुछ एक कस्टम्स हैं कि आज भी वहाँ पर ये सोचा जाता है कि घर में एक बेटा ही ज़रूरी है। अगर बेटी हो जाए तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा रहता है कि हमें अभी भी बेटा चाहिए। तो फिर उससे थोड़ा सा इंस्पायर होकर थोड़ा सा आइडियाज़ लेकर हमने काम शुरू किया। और जैसे हमारे गुरुजी की डायरेक्शन रही, हमने इसको सोसाइटी के सामने लाने के लिए तैयार किया। जैसा आपने टीजर देखा है, अभी टीजर बहुत ही खूबसूरत है। अब ये पूरा गाना कब रिलीज होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और कहानी एक बेटी की, इस टाइटल के पीछे का क्या पूरा राज है, ये ही टाइटल जो है वो क्यों चूज किया गया, कहानी एक बेटी की? क्या ये रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानी है या फिर एक काल्पनिक कहानी है या फिर सोसाइटी से उठाया गया एक मुद्दा है? इसको हम सोसाइटी से उठाया गया एक मुद्दा कह सकते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, मैक्सिमम जगह पे ऐसा होता है। हमने अभी कई बार न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं कि वहाँ पर नदी के किनारे बेटी पड़ी हुई मिली, वहाँ मरी हुई बेटी मिली। अभी रिसेंटली अपना चंडीगढ़ बुड़ैल का एक किस्सा है जिसमें एक माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। तो कुछ ऐसे ही केसेस हैं जो हमारे रियल लाइफ में भी हैं। लेकिन इसमें जो कहानी एक बेटी का इसको टाइटल दिया गया, इसके पीछे जहाँ से हमने ये रिकॉर्ड करवाया सॉन्ग, कैविस रिकॉर्ड्स, उनका ये आइडिया रहा कि जब उन्होंने इसकी कंपोजिशन देखी तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसको एक स्टोरी के हिसाब से लेकर चलें। तो टाइटल उन्होंने बताया कि कहानी एक बेटी की बहुत अच्छा लग रहा है और इसको जो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा किया हमारे रिस्पेक्टेड विजय कश्यप जी ने, जिसका वीडियो टीजर में हमने देख लिया कितना सुंदर बना है। उन्होंने इसको कह सकते हैं कि और ज़्यादा निखार ला दिया इसमें। बिल्कुल सही, जी
बेहतरीन डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, वीवीएस के एंटरटेनमेंट जो है वो उनका प्रोडक्शन हाउस है अपना, जी जी बेहतरीन तरीके से जो है वो वीडियोग्राफी करते हैं। अब मैं परविंदर सिंह नामधारी जी आपके पास आना चाहूँगा, आप अपने शिष्य के साथ जो है वो यहाँ पर आए हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं उनका, आपका जो है वो पूर्ण योगदान इस गाने में रहा होगा इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक, तो आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं कि किस तरह से इस गाने ने जो है वो अपना एक नींव हम कह सकते हैं रखी और उसके बाद ये पूरा गाना बना। बस गाने की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे पास इनको अभी 2 के साल होने वाले सीखते सीखते जी, तो कुछ इनके विचारों से भी मैं अवगत हुआ तो बहुत अच्छा लगा। जब इन्होंने गाने के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम बेटी के ऊपर कोई एक गाना लिखा गया है, तो मेरा मन किया कि थोड़ा सा मैं इनको गाइड करूं जी। तो कुछ इनकी तरफ से कहते ना कि जैसे एक गिलास होता है अगर खुला पड़ा है जी, तो उसमें बारिश अपने आप ही अंदर आ जाएगी, अगर उल्टा पड़ा होगा तो उस पर मतलब वो चीज़ नहीं आ सकती। तो सेम वही रहा कि इनका जैसे मेरी तरफ रुझान रहा है, इनका डिवोशन बहुत म्यूज़िक की तरफ रहा है, जी मेरी प्रति भी काफ़ी रहता है, ऐसी बात नहीं है। पर जहाँ तक बेटियों के बारे में, मेरी खुद एक बेटी है जी, और मेरे पास तकरीबन काफ़ी बेटी मेरे पास जो सीखती हैं जी। इससे पहले भी मैं बड़ूसा में सिखाता था, तो मैं गर्ल्स कॉलेज में सिखाता था जी, वहाँ पढ़ाता रहा हूँ म्यूज़िक। तो वहाँ पर भी हमने एक प्ले किया था, तो उसका एक टाइटल सॉन्ग में थोड़ा सा उसमें था कि हमारी गुरबाणी में बार बार आता है बेटियों के बारे में, माताओं के बारे में, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। तो उसमें कहा गया कि उस माँ को या बेटी को बुरा क्यों कहा जाता है जिन्होंने राजाओं महाराजाओं को जन्म दिया। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही इंस्पायर हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मुद्दा आज के माहौल के हिसाब से, आजकल जिस तरह की परिस्थितियां समाज में, आजकल जिस तरह के कुरीतियां फैली हुई है और ये जो हो रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत कह सकता हूँ इन्होंने की। तो बाकी म्यूजिक डायरेक्शन में मेरा तो यही रहा है कि कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके मैं सिखाता हूँ तो ये सुर में उसको ढालने की कोशिश करते हैं। नहीं, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने इसका म्यूजिक जो है वो सुना है, इस गाने को भी सुना है और मुझे काफी बढ़िया लगा है, बहुत ही बेहतरीन लगा है, उम्दा। हाँ जी, आपका क्या रिएक्शन रहा जब ये पूरा फुल फ्लेश्ड गाना बनकर आया, आपने म्यूजिक डायरेक्शन की, उसके बाद इसमें वोकल जो है वो डाले गए, सारा सब कुछ हुआ, पूरा पैकेजिंग हुई, अल्टीमेटली फाइनली आपको कैसा जो है वो महसूस हुआ कि ये कैसा गाना बना है? आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि संगीत कई तरह का होता है जी, तो जो मेरी पर्सनल राय है, मैं तो खैर क्लासिकल ज़्यादा पसंद करता हूँ जी, बाकी आज जनरेशन के हिसाब से, समाज के हिसाब से जी, इंसान को चारों तरफा होना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि एक तरफा इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो समाज के साथ चलेंगे तो नेचुरली समाज उसको एक्सेप्ट करेगा जी। और जैसे गाने की बात आपने की, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन बनाई बहुत अच्छी लगी मुझे और काफ़ी अपीलिंग, मतलब ऐसी कॉम्पोजिशन बनी है जो एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सबको वो चीज़ पसंद आएगी। क्या बात है। हाँ, और रिलीज डेट भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिलीज डेट इसकी कब है, कब छोटे से लेकर बड़े लोगों को जो है ये गाना सुनने को मिलेगा, कुछ आइडिया है या अभी आपने डिसाइड किया है कि कब ये रिलीज होने वाला हाँ, है? हाँ, इसको हमने सोचा है कि वैसे तो लोगों को ये आपने पहले ही बता दिया कि वैलेंटाइंस वीक है, बट हमने सोचा कि वैलेंटाइन वीक से पहले, वैलेंटाइन डे से पहले हम 30th February को इसको शाम 5 बजे रिलीज कर देंगे। ओके, सो अगर अगर टीजर की बात की जाए, टीजर जो है वो आउट हो चुका है, लोगों के रिएक्शंस आना भी जो है वो शुरू हो चुके हैं, मैंने भी टीजर देखा, इट वाज ऑसम, ग्रेट, लोगों का कैसा रिएक्शन है, क्या कुछ कहना है इनका इस टीजर को लेकर? जिस हिसाब से टीजर अभी आया है तो मतलब ये, मैं इसका सारा क्रेडिट जो टीजर पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्रेडिट दूंगा मैं विजय सर को जी, क्योंकि
ये मतलब उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना कि इतने वीडियो जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत से शॉर्ट्स लिए उन्होंने, बहुत जगह देखी कि हाँ कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, जी लेकिन टीज़र में सिर्फ वही चीज़ उन्होंने भी दिखाई कि जिस चीज़ से मतलब लोगों पर ऐसा इम्पैक्ट पड़े, क्यूरियोसिटी डबल हो जाए। बिल्कुल तो सही। उन्होंने उसमें दिखाया कि एक छोटी सी बेटी को उस अभी वो अकेली खड़ी है, जैसे टीज़र में दिखाया कि वो अकेली खड़ी है और वो सोसाइटी से डर गई, सोसाइटी के लोगों को देखकर। लेकिन जब अपने फादर को देखती है जिन्होंने उसे इंटरनली बिल्ट अप किया है, उनको देखकर उसके अंदर वो पावर आती है कि वो उनसे लड़ सके। तो टीज़र में वो चीज़ इजीली डिफरेंशिएट हो गया कि हाँ इस गाने में जो है बेटियों को सशक्त करने पर बल दिया गया। जी जरूर, इसके बारे में भी हम हल्की सी बातचीत जरूर करेंगे कि आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट है इस पूरे गाने का। हमारे साथ ललित जी भी मौजूद जी हैं जो जी इनके जी मित्र हैं। आपने इस गाने में जो है वो अपना एक किरदार निभाया है, जी अहम किरदार। तो आपसे भी मैं जानना चाहूंगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने को शूट करने के दौरान, और जब ये प्रोडक्ट बाहर निकल कर आपने देख ही लिया होगा किस तरह का ये जी बना जी है, जी क्या कुछ आपके रिएक्शंस हैं? देखिए, ये जो गाना है, कमल जी काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छे मित्र, भाई जैसे संबंध हैं जी काफ़ी साल से। इनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले तो विचार जब मिल गए तो इनके अच्छे मित्र बने। इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एक लड़कियों को आगे प्रोत्साहन करना है, सशक्त बनाना है, तो मैं बहुत खुश हुआ और इनका साथ दिया कि बिल्कुल लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और जो माँ बाप आजकल बच्चों के, लड़कियों के पैदा होने पर दुखी जाहिर करते हैं, बिल्कुल बहुत गलत बात है। इन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें प्राउड हो कि लड़कियां भी आगे जा रही हैं, बिल्कुल तो सही। बहुत अच्छा लगा। और चाहते भी ऐसा है कि लड़कियां हर क्षेत्र में बिना डर के कहीं भी आ जा सके, कोई डरने की, तो जब आप सही है तो कहीं भी आगे जाए, लड़कियाँ आगे आप निकले। नहीं, पुलिस विभाग में कार्यरत हैं तो सॉरी, मैं अध्यापक हूँ, मेरे अध्यापक। बड़े भाई कमल जी ओके पुलिस ओके ओके विभाग में ओके हैं। ओके ओके हाँ जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में भी जो है वो इस तरह के कुछ केसेस सामने आते होंगे जहां पर गर्ल्स के साथ जो है वो प्रताड़नाएं होती है, उनके केसेस दर्ज करवाए जाते हैं, और इवन कई बार FIR भी जो है वो दर्ज नहीं जी होती जी है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स क्या आपके सामने कभी आए हैं? सर, ये चीज़ें तो अमूमन देखने को मिलती ही रहती हैं कि कभी कोई छेड़छाड़ का कोई केस आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से हमारी पुलिस जो है एडवांस हो रही है, अब इन चीज़ों में थोड़ी कमी आ रही है इन केसेस में, क्योंकि एक तो हमारे कानूनों में अमेंडमेंट होती रहती है दिन प्रतिदिन, तो उस चीज़ से देखा है कि अब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्टली लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है वो अभी भी स्टिल है ना, जिनका रिकॉर्ड कहीं है ना, जिनके अगेंस्ट कोई पर्टिकुलर एविडेंसेस हमें मिलती हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे रूढ़िवादी परंपराएं गांव में होती है कि बेटियों को यहाँ नहीं भेजना, वहाँ नहीं भेजना, ऐसा नहीं करना, वैसा करना। तो मतलब इस गाने के थ्रू हमने सोच रखा है कि जहाँ पर वो रूढ़िवादिता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो। खत्म होनी चाहिए बिल्कुल जी डेफिनेटली। और ऐसे ऐसे इसमें जो है वो शॉर्ट्स भी दिखाए गए हैं, स्टोरी लाइन जो है वो इस तरह की बनाई गई है। जी बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस लड़की की इसमें बातचीत हो रही है, कैसी कैसी परिस्थितियों से वो गुजरती है, हल्का सा उस पर नजर जरूर डालना चाहेंगे। हाँ, इसमें जो हमने पर्टिकुलरली जो दिखाया है उसमें दिखाया है कि कोई एक लड़का है अपनी टीन अपनी यंग एज में वो घूमता फिरता है, तो लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली जुड़ा है, तो वो उसको एक बच्चा मिलता है, कहीं छोटा बच्चा मिल जाता है उसे, तो उसे नहीं पता होता कि वो बेटा है या बेटी है। फिर वो उसको देखता है अकेले जंगल में बच्चा क्या कर रहा है, उठाकर उसे ले जाते हैं। फिर जब उसे पता लगता है कि वो एक बेटी है तो फिर वो देखता है कि हाँ इसको थोड़ा पालता पोसता है। फिर घर के सरकमस्टांसिस कुछ इस तरह के होते हैं कि उसके साथ पराया बिहेव किया जाता है कि पता नहीं किसका बच्चा है, किसकी बेटी है, कहाँ से आई है, और घर के बेटों को ज़्यादा प्रेज किया जाता है, ज़्यादा प्यार किया जाता है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा है कि एक अनाथ बच्ची को उठाया, उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया, फिर उस लड़के ने शादीशुदा ना होते हुए भी अपने बाप के फर्ज पूरे निभाए, और एट द एंड जब वो खुद एज हो जाता है तो वो बेटी भी सेम वैसे ही अपने फर्ज निभाती है, जिसमें दिखाया कि हाँ जरूरी नहीं कि बेटे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं। और इवन ब्लडेड रिलेशन भी बिल्कुल उनका नहीं बिल्कुल था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने ये दिखाया कि एक लड़की भी माँ बाप का सहारा बन सकती है, इवन एक ऐसा सहारा बन सकती है कि शायद लड़के उतना ना कर पाए, तो ऐसा कुछ इसमें बिल्कुल दिखाया सही, गया है। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सोच ये है, और डेफिनेटली जिस सोच से ये गाना बनाया गया है, आई एम डेडली श्योर कि ये उसी तरह का जो है वो वायरल भी होगा और लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज कि क्या कुछ होप्स इसमें बताना चाहते हैं। तो अंत में जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? परविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ आप सोसाइटी से कहना चाहते हैं, किस तरह से इस गाने से अगर रिलेटेड कुछ बात की जाए।
मैं तो यही चाहूँगा कि इस गाने के माध्यम से, चाहे वो बेटी है चाहे माँ है, सबका सत्कार करना चाहिए और सभी को दुनिया में जीने का पूरा हक है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता जी। लेकिन खासकर बेटी एक ऐसा, बेटी आगे अपना एक नया परिवार बनाती है, एक पीछे परिवार भी छोड़ के जाती है, आगे भी जाती है, लेकिन वही एक बेटी एक ऐसी हमारी दुनिया में मतलब धरोहर हम कह सकते हैं, जो पीछे अपने पिता को भी याद रखती है और आगे जाके भी अगले परिवार को भी संभालती है, दो परिवारों को संभालती है, मतलब पूरी जिम्मेवारी उस बेटी के ऊपर होती है और आगे जो जनरेशन होती है वो पूरा मैसेज उनको देती है और मतलब एक नया सृजन जो समाज में बनता है वो एक बेटी के माध्यम से ही बनता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि दो परिवारों का जो है वो ध्यान रखा जाता है। इवन कुछ महिलाएं जो है वो जॉब्स करती हैं, नौकरियां करती हैं, वो नौकरी करने के साथ साथ घर में खाना बनाना सब कुछ मैनेज करना सारा ध्यान जो है वो रखा जाता है। और बिल्कुल सही कहा कि बेटियों को भी अधिकार है जीने का और सब कुछ करने का। कमल जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को अपने गाने के माध्यम से? तो आप इतना अच्छा मैसेज दे ही रहे हैं, साथ ही में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे आज मेरे गुरुजी मेरे साथ, मतलब मेरा पहला कदम है जी। तो इस पहले कदम में मेरा हाथ जो गुरुजी ने थाम रखा है, तो मैं तो यही मैसेज दूंगा सोसाइटी में, चाहे गुरु किसी भी फील्ड में हो, अगर हमने रास्ता सही चुन रखा है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर पे अगर अच्छे गुरु का हाथ हो जी। अगर हम, आजकल मैंने देखा है कि लोग कहीं कहीं घूमते हैं दुनिया भर में, भटकते रहते हैं, फिर भी अच्छे गुरु नहीं मिलते। अगर जिंदगी में अगर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो जिंदगी में गुरु अच्छा होना जरूरी है जी। हजारों किलोमीटर सफर हम गलत तय कर रहे हैं लेकिन मुड़कर हमें एट द एंड आना ही पड़ता है वापस। बिल्कुल। तो जिंदगी में अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है किसी भी कामयाबी के लिए। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये गाना बना है वुमन एम्पावरमेंट को लेकर, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को वुमन एम्पावरमेंट पर? मैं यही संदेश देना चाहूँगा इसमें कि जितना हो सके बेटियों को बचाया जाए, जैसे पेट में बेटियों को मार देते हैं, बेटियों को जीने का कम हक मिलता है, बराबर हक दिया जाए तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं जी। इससे हमारा समाज और सशक्त होगा और हमें एम्पावरमेंट मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ललित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या संदेश है, आप क्या जो है वो जनता को कहना चाहेंगे इस गाने के माध्यम से? भी बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। कहते हैं कि जब इंसान का भाग्य होता है तो लड़का पैदा होता है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंसान के 100 भाग्य उदय होते हैं तब जाके एक लड़की पैदा होती है। तो वो सौभाग्यशाली है जिनकी लड़कियाँ हैं, वो प्राउड फील करे कि उनके घर में लड़की पैदा हुई है, बोझ ना समझे लड़की को। और बच्चों से, आजकल के बच्चों से भी यही अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से माँ बाप एक छोटे से बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा कर रहे हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों से इतने अच्छे वहाँ तक मुकाम तक पहुँचाते हैं, उसके बाद बच्चे भी अपने माता पिता का वो मेहनत याद रखे कि किस तरह से हमें पाल पोस के बड़ा किया था, और वो बच्चे भी अपना फर्ज निभाए अपने माता पिता के प्रति। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो अब जाने से पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो गाना है ये 13 तारीख को रिलीज होने वाला है, कहाँ पर, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज होगा और कहाँ कहाँ पर लोग जो है वो इसे देख सकते हैं? सर इसके बारे में अभी डिस्कस करना बाकी रह गया है थोड़ा, तो इसके बारे में भी जल्दी बता दिया जाएगा आपको जी, जी। और क्योंकि अभी हम अपने आप में ही जूझ रहे हैं इस बात को लेकर कि सॉन्ग किस तरह का है और इसे कहाँ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अभी बस शॉर्ट टाइम ही आपको बता दिया जाएगा ये कहाँ से। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा और वेट करेंगे कि कहाँ पर जो है ये किस तरह से गाना रिलीज होगा और किस तरह से लोग इस तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहूंगा, गुरुजी आपको भी, कमल जी आपको भी और ललित जी आपको भी। बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, मैंने तो सुना है, आप भी डेफिनेटली से जरूर सुनिएगा। 13 तारीख को ये गाना रिलीज होगा, टीजर इसका लॉन्च कर दिया गया, अभी थोड़ी देर में आपको टीजर एक बार हम फिर से दिखाएंगे जब हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले परविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी के स्टूडियोज में आने के लिए। कमल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, मैं हूँ मनोज ठाकुर, मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विजय कश्यप जी और साथ ही में शुभम शर्मा।